17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कोरोना संक्रमण काल के चलते शासन ने इस वर्ष देवी प्रतिमाओं के पंडाल सजाने को लेकर कोई भी नई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन मूर्तिकार अपना हौसला बनाए हुए हैं। वो मूर्तियों की साज सज्जा कर उन्हें अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मूर्तिकारों ने मूर्ति की साज सज्जा में लाखों रुपये फंसा दिए हैं। 80% मूर्तियों की बुकिंग भी हो चुकी है, लेकिन शर्त ये भी है कि अगर पंडाल नहीं सजे तो अग्रिम भुगतान वापस करना होगा। तो वहीं पीस कमेटी की मीटिंग में अधिकारियों ने कोई भी गाइडलाइन ना आने की बात कही है, जिसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। उत्तर के लमसम मूर्तियाँ बनी हमारी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रूप दिया है दुर्गा जी के साथ जी। और महाकाल की भी एक मूर्ति जोड़ी है दुर्गा जी के साथ में बैकग्राउंड में, और पंचमुखी हनुमान जी भी है। ये सब कई रूपों में मूर्तियाँ बनाई, राक्षस के साथ, महिषासुर मर्दिनी और बाकी अन्य रूपों में भी कई मूर्तियाँ। तो क्या लग रहा है इस लॉकडाउन को लेकर के? अब असमंजस में हम भी पड़े हैं कि अगर गाइडलाइन नहीं आती है तो कैसे रखी जाएंगी। बयाना तो दे दिया है मूर्ति का, अगर मूर्ति रखने की अनुमति नहीं हुई तो भक्तों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा मोहल्ले पे। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो कम से कम गाइडलाइन तो दे ही चाहिए कि मूर्ति का